नमस्कार दोस्तों, डीबीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की त्रिकोणमिति के शेष भागों को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8 की क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। बहुत ही आसान सवाल होती हैं त्रिकोणमिति का। सबसे आसान सवाल इसी टाइप में सवाल होते हैं। इन क्वेश्चनों को हम बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो फार्मूले आप यूज करते आए हैं वही फार्मूले यहां भी यूज करने हैं बच्चों। फार्मूले में हमने आपको बताया है कि अगर कहीं पर भी कोई किसी तरीके की दिक्कत हो रही है तो प्यारे बच्चों आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप कमेंट्स बॉक्स पे अपनी कमियों को और जो पढ़ाया जाता है, जो टॉपिक जहां पे नहीं समझ में आता है, उन चीजों को आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हम उसको देखेंगे, तो आपको उसको ज्यादा अच्छा समझाने का हम प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक अच्छा प्रयास करेंगे कि आपकी ये समझ में आए। प्यारे बच्चों, यहां पे जो दिया गया है वो दिया है tan थीटा बराबर a अपॉन b। हमें प्रूफ क्या करना है कि b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमें हिंट सवाल में क्या दिया गया है, उस हिंट के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हिंट में दिया हमें tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है, सभी बच्चे हमारे जानते होंगे कि लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर। लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर। तो लंब और आधार हमें ज्ञात है, अगर हम इन दोनों भुजाओं की हेल्प ले लें, सहायता ले लें, तो पाइथागोरस द्वारा हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। हम तीसरी भुजा को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप सबसे पहले tan थीटा बराबर a अपॉन b लिखेंगे, और ये आपको इसको शो कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार को हमने शो कर लिया, दिखा दिया यहां पर। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम यहां पे देखें तो हमें लंब और आधार दिया है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। इस पाइथागोरस प्रमेय पर हम इन दोनों भुजाओं के मानों को रखेंगे तो तीसरी जो हमें निकालनी है, तीसरी भुजा, उस भुजा का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण हमें निकालना है, तो हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखेंगे। लंब हमें कितना दिया है, a का स्क्वायर कर दिया। आधार कितना दिया है, b का स्क्वायर कर दिया। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर हमें मिल गया a स्क्वायर, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को कम समझ में आता है, कहीं कहीं पर ऐसे टॉपिक होते हैं जो बच्चों को कम समझ में आता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर दो पक्ष हैं और एक पक्ष में वर्ग लगा है और दूसरे पक्ष में कोई भी संख्या दी गई है, अगर आप इस वर्ग को हटा देते हैं इस पक्ष से, तो इस पक्ष में अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। आप कहेंगे कि कर्ण बराबर हमें क्या मिल जाएगा, तो इस तरफ कर्ण ही लग जाएगी, जिसे कहते हैं रूट। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हमें मिल गई, ये हमें मिल गई प्यारे बच्चों कर्ण की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, कर्ण की। तो तीनों भुजाओं का मान हमें यहां मालूम है, लंब आधार और कर्ण, तीनों भुजाओं का मान हमें यहां पर मालूम है। तो इस तरीके से हम किसी भी त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सेक निकालना है और कोशेक निकालना है, तो सेक और कोशेक का मान निकाल करके हम इसमें रख देंगे तो हमें प्रूफ कितना करना है, RHS में 1 करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखते हैं कि बी सेक थीटा बटा ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, यह हमने लिख दिया। अब इसमें अगर आप देखें कि बी सेक थीटा अब बटा ए कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो बगल में आप पहले सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो
तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों, और फार्मूला होता क्या है, sec थीटा बराबर, तो ये cos का उल्टा होता है, ये cos का अपोजिट होता है, तो cos का अपोजिट होगा तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो sec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार, तो आप sec थीटा बराबर लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। प्यारे बच्चों अगर नहीं आता तो मैंने आपको बताया कि लाल बटा कक्का कहीं भी आप लिख सकते हैं लाल बटा कक्का, इसका प्रयोग कर लिया करें। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है या नहीं याद रहता है तो लाल बटा कक्का लिख करके वो आसानी से सभी त्रिकोणमिति मानों को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और हमें कर्ण मालूम कितना है तो हम कर्ण की वैल्यू पुट अप करेंगे, कर्ण की वैल्यू कितनी है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान आधार हमें कितना दिया गया है तो हम आधार बी शो कर देंगे, यहां पर बी आप लिख दीजिए बी हो गया। फिर उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, कौशिक की वैल्यू निकालनी है, तो हम कौशिक की वैल्यू निकालेंगे, तो कौशिक थीटा बराबर होता है, तो कौशिक किसका अपोजिट होता है, कौशिक होता है साइन का अपोजिट, तो जब साइन का अपोजिट आप फिर साइन का फार्मूला याद होना चाहिए, तो साइन का फार्मूला होता है साइन कॉस टैन लंब बटा कर्ण, साइन का फार्मूला लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, उसका अपोजिट है यहां पे आप लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब। अब कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण की वैल्यू क्या दी गई है आप पुट कर दीजिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा, अब लंब की वैल्यू आपको दिया गया है एक, यहां पे ए पुट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब सवाल पर आ जाइए, दोनों का एलएचएस ले लीजिए, अब दोनों का एलएचएस लेकर के सॉरी दोनों में से भी एक का एलएचएस लेना है, सवाल में एलएचएस लेना है आपको, तो सवाल का एलएचएस ले लीजिए, सवाल का एलएचएस लेकर के आपको आरएचएस प्रूफ कर देना है। आप आरएचएस कैसे प्रूफ करेंगे उसको भी देख लीजिए, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एलएचएस, और एलएचएस में आप सबसे पहले b लिखेंगे, फिर उसके बाद यहां पे देखिए इनटू का चिन्ह छिपा हुआ है, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों देखेंगे, तो sec थीटा की वैल्यू हमें दी है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये हमें मिल गया, फिर बटा करेंगे क्योंकि इसका भी बटा है, फिर a लिख देंगे इंटू लिखेंगे cosec थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है आपको बगल में दिया अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, यहां पे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं बी से बी को हमने कैंसिल कर दिया, आपने ए से ए को कैंसिल कर दिया, देखें आप बच्चे देखें ध्यान से देखें, ये संख्या और ये संख्या भी आपकी दोनों बराबर है कि नहीं है, तो बच क्या रहा है यहां पे, बच रहा है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम संख्याएं हैं तो आप इन सेम संख्याओं को पूरी तरीके से काट सकते हैं, अब काटेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा वन प्राप्त होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं आर एच एस, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग चर्चा करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोगों ने चर्चा किया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन सभी आसान है बच्चे, आप देख रहे हैं कॉस थीटा बराबर 4/5 ही हमें हिंट दिया गया है, इसके मदद से हम आप त्रिकोणमिति के सभी मानों का मान प्राप्त कर सकते हैं बड़े आसानी तरीके से। अगर अगर आप भुजाओं का मान ज्ञात करना सीख जाएं तो आपके लिए इस त्रिकोणमिति का जो है कोई भी सवाल कठिन नहीं होगा, बहुत ही इजीली तरीके से बहुत ही आसान तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको निकाल सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपको केवल ये इस हिंट के माध्यम से, क्योंकि हमने आपको बताया है पहले ही वीडियो में कि प्यारे बच्चों अगर आपको दो भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लिया करें, आप पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको तीसरी भुजा का मान मिल जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक दूसरे रूल से इस सवाल को पढ़ाएंगे, इस टाइप के सवाल को पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ाएंगे, आप वहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजीली तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं आइडेंटिटी की सहायता से, सर्वसमिका की सहायता से,
सरसमिकाओं के विषय में हम पढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप प्यारे बच्चों इस सवाल पे चर्चा करें तो सवाल पे चर्चा हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है, इस सवाल में क्या दिया गया उसको देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया गया हिंट उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे चार बटा पांच ले लिया हमने। अब चार बटा पांच में देखेंगे तो कॉस में चेक करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है या कॉस ए बराबर होता क्या है? आप कहेंगे कि आधार बटा करण, आधार बटा करण होता है। तो आप सबसे पहले शो कर लीजिए आधार बटा करण, ये हमने शो कर लिया। आधार ज्ञात है और करण ज्ञात है तो प्यारे बच्चों निकालना क्या है, हमें निकालना है लंब। तो हम लंब कैसे निकालेंगे? तो आप पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस थ्योरम का प्रयोग करके, इस प्रमेय का प्रयोग करके आप तीसरी भुजा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना दिया है? 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब हमें ज्ञात करना है, हमें निकालना है, प्लस आधार कितना है? 4 है तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहां पे लिखेंगे 25 बराबर एल स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर बोलेंगे कि 16 होता है। 16 जिस संख्या का वर्ग करना है प्यारे बच्चों उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई आप गुणा कर दीजिए। आप जैसे 5 का वर्ग कर रहे हैं तो 5 का 5 में गुणा कर दीजिए तो उसका वर्ग मिल जाएगा। अब क्यूब निकालना है तो 3 बार गुणा कर दीजिए तो आपको क्यूब मिल जाएगा। और बच्चों इसमें अगर आपको निकालना है जैसे 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि 25 बराबर एल स्क्वायर और प्लस 16 दिया गया है तो 25 को पक्षांतर नहीं करेंगे हम, 16 को ही पक्षांतर कर लेते हैं। तो 16 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर एल स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 में से 16 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा? 25 में से 16 निकालेंगे तो प्यारे बच्चों 9 बचेगा। आप एल स्क्वायर लिख लेंगे। हमने अभी आपको एक रूल बताया कि अगर इस साइड में वर्ग लगा हुआ है तो आप इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर करणी लग जाएगी, रूट लग जाएगा। तो आप इधर रूट लगा दीजिए तो इस साइड से वर्ग हट जाएगा प्यारे बच्चों। अब 9 का वर्गमूल तो सभी बच्चे जानते होंगे कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, चूंकि ये बेसिक चीजें होती हैं गणित पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक होता है कि आपको वर्गमूल और घनमूल बहुत ही जरूरी है आना, नहीं तो आपको गणित में कई कई ऐसे टॉपिक्स आएंगे, कई कई ऐसे बिंदु आएंगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहली जरूरत आपके लिए होती है स्क्वायर, एलसीएम, एससीएफ और घनमूल ज्ञात करना, क्यूब ज्ञात करना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 3 आ गई, अर्थात आप कह सकते हैं कि लंब हमें मिल गया, 3 मिल गया लंब। तो हमें तीनों भुजाओं का मान मिल गया है। अब हमें तीनों भुजाओं का मान मिल गया तो हम आसानी से सवाल को सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। सबसे पहले एलएचएस लेंगे इसका और एलएचएस क्या है उसको उतार लेंगे। एलएचएस क्या दिया है प्यारे बच्चों? टेन ए अपान 1 प्लस टेन ए, तो टेन स्क्वायर ए दिया गया है। तो अगर हमें तीनों भुजाओं का मान मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? हम सभी के मान निकाल सकते हैं। हमें टेन चाहिए, साइन चाहिए और सेक चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहां पे निकाल लेते हैं। हमें टेन की वैल्यू चाहिए तो हम लोग निकाल लेते हैं कि टेन ए बराबर लंब बटा आधार होता है प्यारे बच्चों। और टेन ए बराबर लंब हमें कितना मिला है? 3 आधार कितना हमें मिला है? 4 मिल गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तो 3/4 हमें क्या मिल गया? 3/4 मिल गया टेन ए की वैल्यू। अब इसी तरीके से हम साइन की वैल्यू निकालते हैं तो साइन ए बराबर होता है प्यारे बच्चों लंब बटा कर्ण, और लंब कितना दिया है? 3 और कर्ण हमें कितना मालूम है? 5। तो साइन ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? साइन ए की वैल्यू मिल गई 3/5। अब इसी तरीके से हमें क्या वैल्यू निकालना है? सेक का निकालना है तो हम सेक ए बराबर लिख सकते हैं, सेक ए बराबर कास का अपोजिट कर्ण बटा आधार। यहां पे लिखेंगे कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है? कर्ण है 5 और आधार कितना है? 4। हमने आपको बताया भी इसके पहले कि कास का उल्टा होता है सेक। देख लीजिए कास का उल्टा, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे हो जाएगा,
और ये बन जाएगा कास का उल्टा सेक। तो यहाँ पे हमें सेक ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 5/4। अब दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस हल करेंगे। तो एलएचएस में क्या दिया है प्यारे बच्चों, एलएचएस में दिया है टैन ए की वैल्यू। तो टैन ए की वैल्यू हमें दिया गया 3/4, हम 3/4 रख देंगे और अपॉन कर देंगे यहाँ पे 1+1+ टेन स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे और 3/4 अब बटा 1+ इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। आप इसका बटा 1 लगा करके प्यारे बच्चों एलसीएम ले लीजिए, 3/4 अब बटा, जब एलसीएम लेंगे तो यहां पे हो जाएगा 16+9/16 16+9/16 ये चीज हमें मिलेगा। अब आपको एक काम करना है प्यारे बच्चों, सबको जो है सबको कैलकुलेट करना है, व्यवस्थित करना है। 3/4 16 9 25 होता है और बटा कितना हो जाएगा 16। आप इस तरीके से पलटेंगे इसको क्योंकि ये वाली संख्या अंश में जाएगी और ये दोनों जो है हर में ही रहेंगे। तो 3 × 16 बच्चों 16, उसके बाद यहां पे हो जाएगा 4 × 25। तो जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे और जो शेष बचेंगे वही इसके मान हो जाएंगे। तो 4 से 16 कट जाएगा तो 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिएगा तो 4 × 16 होता है, 4 × 16 4 × 3 = 12 तो 4 × 3 = 12 बटा हमें मिल गया 25। हमें एलएचएस में वैल्यू मिल गई हमें एलएचएस में वैल्यू मिल गई 12/25। अब इसी तरीके से हम आरएचएस की वैल्यू निकालेंगे तो आरएचएस में प्यारे बच्चों वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, तो प्रूफ करना है साइन ए अपॉन सेक ए है, आरएचएस है साइन ए अपॉन सेक ए। तो साइन की वैल्यू कितनी है आप देख लीजिए बगल में, साइन की वैल्यू है 3/5 और सेक की वैल्यू कितनी है 5/4। दोनों वैल्यू उठा के रख दीजिए 3/4 अब बटा बटा यहां पे 5/4 ये वैल्यू दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि ये पलट के ऊपर जाएगा और ये दोनों इसमें गुणा हो जाएंगे तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 4 और 4 × 5। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका। तो 4 × 3 = 12 और बटा 4 × 5 = 4 इसकी वैल्यू बच्चों है साइन ए की वैल्यू है 5 3/5 तो यहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चों ये तो 4 ही रहेगा और ये वाला रहेगा 5 × 5 तो 5 × 25 हो जाएगा। क्या आपके एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं, आपका एलएचएस आया 12/25 और आपका आरएचएस भी 12/25 आ गया। तो आप लिख दीजिए कि एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूफ आपका आरएचएस आ गया एलएचएस के बराबर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 sin θ − 4 sin³θ = 1। कह सकते हैं कि आप एलएचएस से आरएचएस बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसमें किसी चीज का प्रयोग नहीं करना क्योंकि साइन की वैल्यू आपको दिया गया है सवाल में ही। आप साइन की वैल्यू रखेंगे एलएचएस में, आरएचएस आपको अपने आप मिलेगा। प्यारे बच्चों एलएचएस से आप आरएचएस प्रूफ कर सकते हैं, एलएचएस से आप आरएचएस प्रूफ कर सकते हैं प्यारे बच्चों बहुत ही इजीली तरीके से, क्योंकि यहां पे दिया है 3। अब साइन की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या दिया है 1/2, साइन की वैल्यू दिया है तो 1/2 यहां पे रख सकते हैं। आप ब्रैकेट लगाएं या मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, 3 × 1/2 साइन के जगह पे मैंने क्या रख दिया 1/2 − 4। यहाँ पे क्यूब दिया गया है तो साइन का जो मान रखेंगे हम उसका क्यूब करेंगे 1/2 का होल क्यूब। अब इस चीज को हल करना है प्यारे बच्चों, आप 3 × 3 से आप मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा और 2 −
चार, चार करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे, और उसके बाद एक का क्यूब करते हैं तो यही आएगा। अब दो का क्यूब करेंगे तो दो का तीन बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, दो दूना चार और चार दूना आठ, तो आप कह सकते हैं कि ये चार एकम चार हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वन अपान कितना लिख सकते हैं, एट लिख सकते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो तीन बटा दो माइनस चार, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो चार एकम चार हो जाएगा और बटा आठ हो जाएगा। तो आप इसको काट भी तो सकते हैं क्योंकि चार का पहाड़ा ऐसा पड़ी है, अर्थ से ज्यादा ना जाए, तो चार दूना आठ, यहाँ पे हो जाएगा तीन बटा दो माइनस एक बटा दो। एलसीएम बराबर है, आप जब एलसीएम बराबर है तो केवल अंश की संख्याओं को, प्लस में है तो जोड़ देंगे, माइनस में है तो घटा देंगे। तो आप क्या करते हैं, तीन में से एक को निकाल दीजिए, तीन में से एक को निकाल देंगे तो तीन माइनस वन अर्थात दो बटा दो हो जाएगा, दो से दो कैंसिल आ गया, एक आ गया। और एक ही हमें प्रूफ करना है आरएचएस में, एक ही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों कहते हैं कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। कहा जाता है बच्चों कि जितना ही कठिन संघर्ष है जीत उतनी ही शानदार होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 21 पर हम लोग चर्चा करते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है वो बहुत ही इजी है बच्चों। आप देख रहे हैं यहां पे 13 साइन ए बराबर 12 दिया गया है, तो आप 13 का पक्षांतर करके यहां बटे में कर लीजिएगा तो साइन ए बराबर हमें मिल जाएगा 12/13। अब 12/13 सेम क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं। यहां पे जो अंडरलाइन है इसको हम मिटा दिए, तो यहां पे आप लिख सकते हैं साइन ए बराबर 12/13। 12/13 साइन मतलब लंब और करण दिया गया है, आप आधार निकाल करके सभी मानों का मान प्राप्त करके इसके जो प्रूफ करना है, जो आपका मान निकालना है से के माइनस टेन ए का मान बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। आप बच्चे हमारे स्वयं करेंगे इसको, और कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, अगर सवाल आ जाता है तो कमेंट्स करिएगा, नहीं भी आ रहा तो आप भी कमेंट्स करिएगा, हम इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे यदि आपको नहीं आएगा तो। हम क्वेश्चन नंबर 22 पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है cos थीटा बराबर m बटा n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इजीली तरीके से लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी इसके पहले बताया है प्यारे बच्चों, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिएगा, टेन का मान निकाल लीजिएगा और काट का मान निकाल लीजिएगा, तो इस तरीके से हम लोग इन सभी मानों को ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहे तो इस सवाल को प्रूफ कर सकते हैं, या हम लगा इस सवाल को हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें दिया है प्यारे बच्चों कॉस थीटा बराबर दिया है, कॉस थीटा बराबर एम अपॉन एन दिया है, अर्थात आधार और कर्ण का मान दिया गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें जो नहीं दिया गया है उसको निकालना है, तो यहाँ पे देखेंगे हमें क्या दिया गया, कर्ण दिया आधार दिया है तो हम रख देंगे, तो कर्ण की वैल्यू है यन, यन का स्क्वायर हो गया, लंब हमें निकालना है और आधार की वैल्यू कितना दिया है तो यम दिया है, तो यम का स्क्वायर कर देंगे। प्यारे बच्चों पक्षांतर कर लीजिए, एन माइनस एम का स्क्वायर, इसको हमने इधर कर दिया तो माइनस हो गया, बराबर एल स्क्वायर, और एल का स्क्वायर जब हटा देंगे तो एल बराबर हमें मिलेगा रूट में रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एल बराबर मिलेगा क्योंकि वर्ग घट की इधर रूट बन जाता है। अब हमें लंब मिल गया, आधार मिला है और कर्ण मिला है, तो तीनों भुजाओं का मान हमें प्राप्त है, तो हम बड़े आसानी से टेन और काट का मान निकाल सकते हैं। तो टेन का मान यहाँ इजीली तरीके से निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, काट थीटा इसी का अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू मान निकाल लीजिए इसके, आप देखिए यहाँ पे कि लंब हमें कितना दिया है, तो लंब हमें दिया है रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन, आधार कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, तो आधार देख लीजिए, आधार कितना है, आधार आपका है m, तो m रख देंगे और इसी का अपोजिट कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, तो आप यहां सबसे पहले क्या रखेंगे, आधार रखेंगे और उसके बाद लंब कितना है रूट में n स्क्वायर माइनस
एम स्क्वायर रख लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू उठा के पुट कर लीजिए तो आपको मान मिल जाएगा। किसका मान मिलेगा? आपको मान निकालना है टैन थीटा माइनस कॉट थीटा का। तो टैन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। टैन की वैल्यू है रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम। फिर माइनस कॉट की वैल्यू कितनी है, कॉट की वैल्यू है एम अपॉन अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर के बड़े आसानी से इस सवाल को हल कर लीजिए, जो मान आएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, यम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आएगा, यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आएगा। अब यम से यम कैंसिल होगा, इससे आप इसमें गुणा करेंगे भाई, यम से जब भाग देंगे दोनों में तो यम से यम कैंसिल हो जाता है। यम ये पूरा भाग उठा करके इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसका जब आप इससे दोनों में आप गुणा करेंगे, सॉरी भाग देंगे, ये और ये भाग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, यम यम का गुणा कर देंगे यम में, तो माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको एड कर लीजिए, प्यारे बच्चों देख रहे हैं एन स्क्वायर यम यम दोनों आपके माइनस में है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस टू एम स्क्वायर हो जाएगा, और बटा एम अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। यही आप कह सकते हैं कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है, मान है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है बच्चे उसको हल करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कमेंट्स बॉक्स पे लिख करके भेज देंगे, हम उसको पढ़ाएंगे आपको उस क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कॉम्पिटेटिव आप कह सकते हैं कि प्रतियोगिता में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के जैसा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक आईआरटी में भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इस टाइप के बना बना करके। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है, सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दो दिया गया है। तो हमें क्या मतलब किसका मान निकालना है, तो हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। तो हम लोग बहुत ही इजीली तरीके से इस मान को निकालते हैं। हमें हिंट में क्या दिया गया है कि टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर दो दिया गया है। तो आप लिखेंगे कि टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर दो। हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करना है। आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा, लिखेंगे ऐसा, दोनों पक्षों में या पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और बराबर दो का स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, नहीं याद है तो ए प्लस बी हम बगल में लिख लेते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं इन मानों को, आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी। तो यहां पे आपको टू टू लिखना है, ए ए और बी, क्योंकि ये ए है और ये क्या है बी है, तो ए की जगह पे आपको रख देना है टेन थीटा और बी की जगह पे रख देना है कॉट थीटा और बराबर दो का, दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो चार आएगा, चार लिख दिया। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस टू टेन थीटा, और आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि कॉट टेन का उल्टा होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है, तो इन दोनों को चाहे जिसके रूप में बदल करके आप काट सकते हैं। आप बगल में लिख लीजिएगा, चूंकि आप कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं वन अपान टेन थीटा, तो जहां पे कॉट थीटा है वहां पे हम वन अपान टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं वन अपान टेन थीटा इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, टेन से टेन मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहां पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस टू इज इक्वल टू फोर, दो का पक्षांतर कर लीजिए तो यहां हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर चार, में से दो निकाल दीजिए तो चार में से दो गया कितना आएगा, दो आएगा। तो आपको यही मान तो प्रूफ करना है बच्चों, टेन स्क्वायर थीटा
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या मिल गया, दो मिल गया। हमें यही प्रूफ ही करना है क्योंकि यही सवाल में पूछ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ही पूछ रहा है। प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में जो भी सवाल आपको नहीं आ रही है आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे, हम उन सवालों को पढ़ाएंगे, उन सवालों को हम बताएंगे आपको और सिखाएंगे भी और इजीली तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्यारे बच्चों कहा जाता है कि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क में ही होते हैं। अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के ही संपर्क में होते हैं। प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि इस समय भारत देश एक बहुत ही जटिल महामारी से जूझ रहा है, उसमें आप भारत देश का सपोर्ट करें, एक अच्छे नागरिक बनने का जो है परिचय दें, घर पे रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, घर पे रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।